आज जो मैं क्लासिक रैंक्ड मैच खेल रहा होता हूँ और भाई ये वाला गेम प्ले जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इंटेंसफुल होने वाला है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा गेम प्ले जाएगा क्योंकि इवेंट वाला खेल खेल के भाई पक जाते हैं, आप लोग भी पक गए होंगे। तो सामने की तरफ दो फ्लेयर चली हुई होती हैं और भाई बंदे पता नहीं कहाँ पर होते एग्जैक्टली, बट थोड़ा सा वेट करने के बाद बंदे ओपन में भागते हुए दिखते हैं और ये वाले बंदे जो रहते हैं स्ट्रेटजी काफ़ी ख़तरनाक यूज़ करते हैं। फिलहाल के लिए तो मुझे एक ही बंदा दिखता है और भाई दूसरा टीममेट कहाँ पे होता है और कहाँ से फायर करता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मेरे पास ऊपर से M16 होती है तो सही से बुलेट्स भी कनेक्ट नहीं हो पाती हैं और बंदे के पास DP होती है तो वो मुझे थोड़ा बहुत डैमेज देता है, बट हल्के सामने से मैं भी डैमेज देता हूँ। अब ये लोग स्ट्रेटजी क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो ये लोग वेट करते हैं सही मौके का। जब मैं नॉक होता हूँ वो लोग पूरा घूम के आएंगे और सारे के सारे बंदे फैल जाएंगे और मुझे किसी की भी लोकेशन पता नहीं होती है जब तक कि वो बंदे फायर नहीं करते मुझ पर। दो बंदे सामने से पुश करते हैं और भाई एक बंदा स्नाइपर टावर पे चढ़ जाता है और भाई लिटरली मैं यहाँ पे मरते मरते बच जाता हूँ, लेकिन फिलहाल दूसरा बंदा उसको रिवाइव देने के लिए जाता है। मैं एक और नेट की पिन खींचता हूँ और बूम ये दूसरा बंदा भी मैं नॉक कर देता हूँ। तो इनकी स्ट्रैटेजी की जो है ऐसी की तैसी मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पर होता ही है कि जो स्नाइपर टावर वाला बंदा होता है वो मेरे टीममेट को मार देता है, नॉक एंड फिनिश कर देता है। और भाई इस वाले गेम प्ले के अंदर भाई वन वे टिकट होता है क्योंकि आप लोगों को भी पता है एक बार फिनिश हो गए तो रिकॉल नहीं हो सकते, तो रस्क करने के कोई चांस नहीं होते और भाई रस्क किया तो मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। और भाई जोन जो रहता है काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है और रोजॉक की तरफ जोन बनता है। अब यहाँ पे मुझे हल्की सी फुटस्टेप की आवाज़ आती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वाला बंदा जो रहता है इतने ज़्यादा ग्रेनेड्स करता है मुझ पर और वो घर पर समझ लेता है जिस घर पर मैं नहीं होता हूँ। और यहाँ पर भाई इतनी इंटेंस मूवमेंट आ जाती है, मेरा एम चोक हो जाता है और भाई मरते मरते मैं यहाँ पर बचता हूँ। अब थोड़ी देर वेट करने के बाद विदाउट फुटस्टेप देने के बाद एक बंदा जो रहता है फुटस्टेप देता है और भाई ओपन में निकलता है, क्योंकि भाई बंदे कैंप करके बैठे हुए थे, रिस्क नहीं ले सकता था। अगर घर के अंदर घुसा तो सीधी मेरी पेटी बनेगी। और यहाँ पे इसके टीममेट के साथ फाइट करते करते जो मेरा एम चोक होता है भाई लिटरली मैं मरते मरते बचाऊँ, भले ही मेरे हाथ में ग्रोजा होती है। नॉक देने के बाद मैं तुरंत ही सोचता हूँ क्यों ना इसे फिनिश कर दूँ, लेकिन थोड़ा दिमाग में आइडिया आता है अगर मैंने इसे फिनिश कर दिया तो इसके टीममेट की लोकेशन मैं जान नहीं पाऊंगा। और वो टीममेट जो रहता है विदाउट फुटस्टेप दे रहा था, मतलब फुटस्टेप बिल्कुल भी नहीं दे रहा था उसके, तो थोड़ा सा क्लोज इन जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे स्मोक में दिखता है और स्मोक के पास ही उसका टीममेट उसको बचाने के लिए आता है। अगर भाई मुझे लग रहा था सामने वाले बंदे की जॉयस्टिक जो है चिपक जाती है और इस वजह से वो मूवमेंट नहीं दे पाता है तो लिटरली मैं यहाँ पे मरते मरते बच जाता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब यहाँ पे मेरा टीममेट जो रहता है नॉक हो जाता है और भाई उसे देखो मैं कैसे बचाता हूँ, पूरे में मैं स्मोक वोक कर देता हूँ और भाई उसे लिटरली मैं बचाने के बाद जोन जो रहता है हमसे ज़्यादा दूर बन जाता है और हमें जोन के अंदर जाना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या सोचता हूँ, हील वाला एरिया पकड़ता हूँ और जैसे मैं हील पर पहुँचता हूँ भाई लिटरली दो बंदे जो रहते ऑलरेडी यहाँ पर होल्ड करके बैठे हुए थे। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो ये वाली रैंक्ड मैच में, क्लासिक रैंक्ड मैच में भाई स्नाइपिंग जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है और भाई बंदे जो रहते हैं दूर से स्नाइपिंग करके भाई जो लिटरली रोटेशन मार के मारते हैं। फिलहाल तो मेरी रैंक जो रहती है क्राउन में होती है तो इस वजह से थोड़ा सा हल्का फुल्का इंटेंस मूवमेंट लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा गेम प्ले वैसे वैसे बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। फिलहाल एक बंदा पुश करता है, अब इसका टीममेट जो रहता है दूर होता है और भाई मेरा टीममेट जो रहता है उसे इजीली फिनिश कर देता है। अगर आपको ये वाली वीडियो आज की पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर से कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल नोटिफिकेशन है जरूर से ऑन कर लेना।